एक बार अकबर को एक अनोखी सी अंगूठी मिली। यह अंगूठी सोने की बनी हुई थी और उस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अकबर को नहीं पता था कि यह अंगूठी कहां से आई और इसका क्या मतलब है। उन्होंने दरबारियों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी अंगूठी के रहस्य को नहीं सुलझा सका। आखिरकार अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, हुजूर, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य की अंगूठी हो सकती है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, गौर से देखिए, इस अंगूठी पर बना निशान दरअसल एक छोटा सा संदेश है। इसे उल्टा पढ़ने पर यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ विद्वान ही राजा का असली साथी होता है बनता है। यह चाणक्य की सीख जैसा लगता है। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई जाए कि जो भी इस अंगूठी के असली मालिक को ढूंढ सकता है उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसने दावा किया कि यह अंगूठी उसकी है। उसने बताया कि वह चाणक्य का शिष्य था और यह अंगूठी चाणक्य की निशानी थी। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने साधु से कोई सबूत मांगा। साधु ने अंगूठी ली और उस पर उल्टा एक और निशान बनाया। इस निशान को सीधा पढ़ने पर वह चाणक्य के एक गुप्त शिष्य चरित्र का एक अंश बन गया। यह सुनकर अकबर समझ गए कि साधु सच बोल रहा है। उन्होंने साधु को अंगूठी वापस कर दी और उसे सम्मान के साथ विदा किया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में भी चतुराई और बुद्धि से काम लेकर किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। एक दिन अकबर के महल से एक हीरे का हार चोरी हो गया। यह हार अकबर के लिए बहुत कीमती था। गुस्से में उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे महल की तलाशी ली जाए और चोर को पकड़ा जाए। तलाशी के दौरान एक गरीब दरबारी के कमरे से वह हीरे का हार मिल गया। दरबारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। दरबारी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। अकबर दरबार में वापस आए और बीरबल को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बीरबल, वह दरबारी ही चोर है, हार उसके कमरे से मिला है। बीरबल ने दरबारी को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, आपने खुद कहा था कि यह हार आपके लिए बहुत कीमती है, क्या आपको लगता है कोई चोर इसे अपने कमरे में रखेगा? अकबर थोड़ा रुके। उन्होंने सोचा कि बीरबल सही कह रहे हैं, कोई चोर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि चोरी का सामान अपने पास रखे। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि असली चोर किसी और ने इस दरबारी को फंसाया है, हमें और जांच करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी। उन्होंने आदेश दिया कि महल के हर कोने की फिर से जांच की जाए। इस बार सैनिकों को एक गुप्त दरवाजा मिला जो महल की रसोई की तरफ जाता था। जांच करने पर पता चला कि रसोइये के पास चोरी के और भी सबूत हैं। दरअसल रसोइये ने ही हीरे का हार चुराया था और फिर उसे फंसाने के लिए दरबारी के कमरे में छिपा दिया था। सच सामने आने पर असली चोर को सजा दी गई और बेगुनाह दरबारी को रिहा कर दिया गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी मामले का फैसला करने से पहले पूरी जानकारी जुटाना और सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। अकबर के राज्य में एक बहुत पुराना किला था। वहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि रात में उस किले में एक भूत रहता है। हर रात किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। इस वजह से कोई भी उस किले में रहने के लिए तैयार नहीं था। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि इस किले में भूत रहता है, क्या तुम वहां जाकर पता लगा सकते हो कि क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, हुजूर, अवश्य जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां जाने की इजाजत चाहिए।
अकबर ने बीरबल को किले में जाने की इजाजत दे दी। बीरबल रात को किले में पहुंचे। रात होते ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, लेकिन बीरबल बिल्कुल नहीं घबराए। वह शांत रहे और आवाजें आने की दिशा की तरफ गए। थोड़ी देर बाद बीरबल एक कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक गड्ढा है और उसी गड्ढे से आवाजें आ रही हैं। बीरबल ने गड्ढे के पास जाकर जोर से आवाज लगाई, हे भूत, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों रहते हो? गड्ढे से एक जवाब आया, मैं इस किले का रक्षक हूँ। इस गड्ढे में बहुत खजाना छुपा हुआ है, मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। बीरबल समझ गए। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सुबह होते ही वह अकबर के दरबार में पहुंचे और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि गड्ढे में खजाना छुपा हुआ है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किले जाएं और गड्ढे की खुदाई करें। वाकई में गड्ढे से बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात निकले। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी कहानी या अफवाह पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले खुद जांच करनी चाहिए। एक शाम अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। किसान के हाथ में एक पान का पत्ता था, लेकिन यह कोई साधारण पान नहीं था। इस पान के बीज सोने के तार में लिपटे हुए थे। किसान ने अकबर को वह पान का पत्ता दिखाया और बोला, हुजूर, यह कोई साधारण पान नहीं है, इसके बीज सोने के तार में लिपटे हुए हैं। इसे आप लगाइए तो आपके बगीचे में सोने का पेड़ उगेगा। अकबर लालच में आ गए। उन्होंने किसान से तुरंत वह पान का पत्ता खरीद लिया। फिर उन्होंने अपने माली को बुलाकर कहा, यह बेशकीमती पान का बीज है, इसे बहुत ध्यान से लगाओ। माली ने बीज को मिट्टी में लगा दिया। अकबर हर रोज बगीचे में जाकर पौधे को देखते, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पौधे में कोई बदलाव नहीं आया। अकबर निराश हो गए। एक दिन वह गुस्से से बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, वह सोने का पेड़ उगाने वाला पान का बीज फर्जी निकला, मुझे ठग लिया गया। बीरबल ने पूछा, हुजूर, आपने वह पान का बीज कितने में खरीदा था? अकबर ने बताया कि उन्होंने इसके लिए एक सोने का मोहर दिया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपने तो असल में कोई घाटा नहीं किया है, आपने एक सोने का मोहर देकर इतना सुंदर पान का पत्ता खरीदा है, अब आप इससे कई पान बना सकते हैं और उनका मजा ले सकते हैं, इस तरह से आपने अपने पैसे की वसूली कर ली है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने किसान को भले ही सोने का पेड़ उगाने का झूठा वादा किया हो, लेकिन असल में उन्हें एक बेहतरीन पान का पत्ता मिला है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि हर चीज की एक असली कीमत होती है और हमें उसी के हिसाब से चीजों को महत्व देना चाहिए। एक दिन अकबर दरबार में खुश थे। उन्होंने अपने दरबारियों के साथ शतरंज का खेल जीता था। जीत की खुशी में उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी आज मुझसे शतरंज में जीत लेगा, उसे मैं एक सोने का हाथी इनाम में दूंगा। यह सुनकर दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ देर बाद एक बूढ़ा फकीर दरबार में आया। उसने अकबर को चुनौती दी और कहा, हुजूर, मैं आपसे शतरंज का खेल खेलना चाहता हूँ। अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह फकीर शायद अच्छा खिलाड़ी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने वादे के अनुसार फकीर को खेलने दिया। खेल शुरू हुआ। अकबर को जल्दी ही एहसास हो गया कि फकीर बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। बहुत सोच समझ कर चाले चलने के बाद आखिरकार फकीर ने अकबर को मात दे दी। अकबर हार मान गए। उन्हें फकीर की खेलने की कला से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें यह भी चिंता हुई कि उन्हें फकीर को इनाम में एक सोने का हाथी देना होगा। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा। कुछ दरबारी उन्हें सलाह दे रहे थे कि वह अपने ऐलान को वापस ले लें, लेकिन
बीरबल ने कुछ नहीं कहा। कुछ सोचने के बाद अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और पूछा, बीरबल मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, हुजूर आपने वादा किया है तो उसे पूरा करना ही होगा। आप बादशाह हैं और एक बादशाह को अपने वादे पर हमेशा कायम रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी। उन्होंने अपने खजाने से एक सोने का हाथी लाने का आदेश दिया और फकीर को इनाम में दे दिया। फकीर सोने का हाथी लेकर खुश हो गया। वह अकबर को धन्यवाद देकर दरबार से चला गया। जाते समय उसने यह भी कहा, हुजूर आपने मुझे इनाम तो दे दिया, लेकिन असली इनाम आपने खुद को दिया है। आपने ईमानदारी और वादे निभाने का धर्म निभाया है, यही आपके लिए सबसे बड़ा इनाम है। अकबर को फकीर की बातें अच्छी लगी। उन्होंने सीखा कि एक राजा के लिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे उनकी और उनके राज्य की इज्जत बढ़ती है। अकबर को दूर के एक राज्य के बारे में सुनने को मिला। वहाँ के राजा को पक्षी, खासकर बगुले, बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आदेश दिया था कि पूरे राज्य से सारे बगुलों को भगा दिया जाए। अकबर को यह बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल मैंने सुना है कि एक राज्य है जहां राजा बगुलों को भगाने की कोशिश कर रहा है। यह तो बड़ी बेवकूफी है, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर शायद उस राज्य में कोई ऐसी वजह होगी जिसके कारण वहां का राजा बगुलों को भगाना चाहता है। अकबर को बीरबल की बात जच गई। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद उस राज्य जाकर देखें कि असल में मामला क्या है। कुछ दिनों के बाद अकबर अपने सैनिकों के साथ उस राज्य की सीमा पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि खेतों में हर तरफ सांप पड़े हुए हैं। लोग परेशान थे क्योंकि सांप उनकी फसलों को नष्ट कर रहे थे। अकबर को समझ में आ गया कि आखिर क्यों वह राजा बगुलों को भगाना चाहता था। दरअसल बगुले सांपों को खाते हैं। वहां के राजा को लगा कि अगर राज्य से सारे बगुले भगा दिए जाएं, तो सांपों की संख्या बढ़ जाएगी और इससे उनकी फसलें भी खराब हो जाएंगी। इसलिए वह बगुलों को भगाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने उस राज्य के राजा से मुलाकात की और उसे समझाया कि बगुलों को भगाना कोई हल नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे सांपों की संख्या कम हो। वह राजा अकबर की बात मान गया। उसने राज्य में सांपों को पकड़ने के लिए शिकारियों को नियुक्त किया और जंगलों की सफाई का भी आदेश दिया। धीरे धीरे सांपों की संख्या कम होने लगी और लोगों को भी राहत मिली। वापस अपने राज्य जाते समय अकबर ने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी मामले को जल्दबाजी में नहीं देखना चाहिए और हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि समस्या को जड़ से मिटाने के लिए सही उपाय करना जरूरी है।